हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो रिलीज होने जा रहा है सुपरस्टार रणबीर कपूर का न्यू और बिगेस्ट मूवी ब्रह्मास्त्र। ये एक सुपर हीरो टाइप मूवी होने जा रहा है जिसमें आप देख पाओगे अपने देसी सुपरस्टार का झलक। अब इतने दिनों हमारे दिल में ये था कि हिंदी फिल्मों में हॉलीवुड टाइप की सिनेमा कब बनेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारा ये इंतजार खत्म होने वाला है ब्रह्मास्त्र मूवी को देखकर, जो कि टोटल 3 पार्ट में है। और कुछ ही महीनों पहले इसका अनाउंसमेंट भी हो चुका है और इसका फर्स्ट पार्ट का मोशन टीजर भी रिलीज हो चुका है। तो देखो भाई, इस फिल्म को हम एवेंजर्स के साथ कैसे मिला सकते हैं, यही सवाल है ना। तो मैं आपको अब स्टेप टू स्टेप समझाने वाला हूँ। देखो, पहले आया ब्रह्मास्त्र, वो भी पार्ट 3 वाला। फिर अनाउंसमेंट हुआ हनुमान का, जो कि एक सुपर हीरो टाइप ही मूवी होने वाला है। फिर हुआ शक्तिमान का अनाउंसमेंट, और अब आ गया अधीरा और क्रिश भैया तो है ही। तो फ्यूचर में ऐसा होना तो इम्पोसिबल नहीं है कि सबको एक साथ मिला जा सकता है किसी बड़े मिशन को कंप्लीट करने में या फिर कोई खतरनाक विलन को डिफीट करने में। और डायरेक्टरों ने भी अनाउंसमेंट कर दिया है कि ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है। रुको, यूनिवर्स मतलब मार्वल की तरह तो नहीं? हाँ, बिल्कुल सही पकड़े आप, लेकिन इस बार होने वाला है कुछ नए और बड़े धमाका इंडियन यूनिवर्स पे। तो दोस्तों, ये गया फर्स्ट पार्ट अपने देसी सुपर हीरो का, और सेकंड पार्ट भी आ रहा है बहुत जल्द। तो अगर आप इस इंडियन यूनिवर्स के डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को। थैंक्स अ लॉट।